इस बार देवभूमि की जनता को वित्त मंत्री के तौर पे आप क्या तोहफे देने वाले हैं? हमने कहा कि 25 फरवरी तक आप अपने सुझाव दीजिए ताकि हम संबंधित विभाग को भेज सकें। विपक्ष का यह आरोप है कि बजट का जो ड्यूरेशन है वो अवधि है वो बड़ी कम है। मैं नहीं समझता कि विपक्ष कभी संतुष्ट हो सकता। दर्जा प्राप्त मंत्रियों की एक बड़ी फौज है, उनको अभी तक एडजस्टमेंट नहीं किया गया। ये एक तरह से सरकार के हैंड्स होते हैं। रोजगार को लेकर के कई सवाल उठते रहते हैं। माने धामी जी बहुत इस मामले में संजीदा है। कांग्रेस यही आरोप लगाती है कि बीजेपी सिर्फ जो है वो फूट डालो और शासन कर और मैनिपुलेशन करती है। जनता आज की तारीख में बहुत, ये तो मैं कह सकता हूँ कि भोली है, लेकिन ना समझ ली। 5 में से कितनी सीटें और क्यों मिलेंगी भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 500 सीटें जीतेगी। बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं है, फेस नहीं है। देखिए, वो इस मुकालते में तो रहना चाहिए। गुट अलग अलग नजर आते, क्या ये खुद सेल्फ गोल नहीं करेंगे? नहीं, हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा निकाली, क्या लगता है उस दम का असर उत्तराखंड पर पड़ेगा? जाए भारत जोड़ो की बात करते हैं या अपना दिल जोड़ ले। रूबरू में खास मुलाकात उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर।